बुधवार कुछ समय के लिए धूप खिली तो सर्दी से हल्की सी राहत मिली। हाड़कंपा देने वाली सर्दी से कार चालक भी परेशान हैं। कारों के अंदर भी लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। कारों के भी हीटर चलने लगे हैं, लेकिन कार से बाहर निकलते ही हाड़ मांस कांपने लगते हैं। इधर से एक कार आ रही है, जरा इनसे पूछते हैं कि इस समय सर्दी कैसी पड़ रही है। और देखते जरा भैया, इस समय सर्दी के बारे में कुछ बताइए, क्या हाल है सर्दी का? सर्दी काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। अच्छा, और लोग अलाव वगैरह जला रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। कार के अंदर राहत है क्या? कार वालों को तो खैर सर्दी नहीं है, वो कार में जो लोग रह रहे हैं उनको सर्दी कम लगती है। जो अच्छा, लोग बाहर देखिए ये गाड़ी चला रहे हैं तो इनको कह रहे हैं कि सर्दी कम लग रही है, लेकिन ये गाड़ी के अंदर देखिए कि भाई साहब जो है वो जैकेट वैकेट पहन बैठे हैं। इसमें तो गर्म हवा आ रही है इसमें। हाँ जी, हीटर चल रहा है सर। हाँ, हीटर लगा रखा है गाड़ी में अंदर। सर्दी नहीं है क्या? सर्दी बहुत है सर। अच्छा, खूब सर्दी है। हाँ, गर्म तो बहुत ज़्यादा, आज थोड़ा कोहरा कम है। कार के अंदर राहत है? कार के अंदर राहत है, बाहर निकलते फिर वो ठंडी है। एसी नहीं सर, हीटर है। हीटर चला के? जी सर। अच्छा, उससे पहले राहत नहीं है? उससे पहले राहत, बाहर निकलेंगे बहुत कड़ाके की ठंड है। आज कोहरा कम है, और दिन से और दिन काफ़ी रहता था, आज बहुत कम है। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, कारों के अंदर भी लोगों को राहत नहीं है, हीटर चलाना पड़ रहा है गाड़ियों के अंदर लोगों को। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी भयंकर सर्दी है। आप देख रहे हैं लोग जो है जैकेट पहन के बैठे हैं, और कार के अंदर जो है अपना वो सीधे तौर पर देखें तो उन्होंने जो है अपना हीटर भी जला रखा है। और देखते हैं ज़रा इनकी क्या हालत है। जरा कुछ सर्दी के बारे में बताइए भैया, सर्दी कैसी है गाड़ी के अंदर? सर्दी बहुत है सर। अच्छा, क्या इसमें हीटर वीटर चलाते हो क्या? कभी कभी चलाना पड़ता है। अच्छा, सर्दी लग रही है आपको? नहीं लग रहा मुझे सर्दी। सर्दी तो लग रही सर। सर्दी लग रही है? लग रही है। हाँ, ज़्यादा सर्दी है। आवाज़ भी नहीं निकल रही है, सर्दी इतनी ज़्यादा है। कार के अंदर बैठे फिर भी जो है नहीं, इनको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। और देख रहे हैं आप जो इसमें रोड सुनसान है, सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, क्योंकि सर्दी का सितम इतना ज़्यादा है कि लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। एक कार और हमारे सामने, ज़रा इनसी बात कर लेते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है गाड़ी के अंदर। भैया ज़रा सर्दी के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा नीचे करिए शीशा, सर्दी कैसी पड़ रही है इस समय? कॉल करता हूँ। ये बताइए, आपके तो गाड़ी के अंदर हीटर सा लग रहा है, कुछ चल रहा है क्या? हाँ, हीटर है। अब हीटर नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा सर। सर्दी वाकई में है बाहर, और मौसम तो जाहिर से बात है जनवरी का महीना है। अब ये महीने में ठंडी रहेगी, उसके आगे थोड़ा कारों के अंदर भी हीटर चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कार में अगर हीटर बंद करता हूँ तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखिए टीन और लोहा ही है, ज़्यादा सर्दी है। हाँ, तो ठंड तो ज़्यादा है। फोर व्हीलर में हीटर चलाना पड़ रहा है, लेकिन टू व्हीलर वाले आखिर क्या करें? टू व्हीलर वाले की मजबूरी है कि उनको खुले में ही वाहन लेके जाना है, हाथ खुले हों चाहे कान खुले हों। लेकिन इस समय सभी के हाथ में ग्लव्स और सिर पर देखा जा रहा तो मफलर लगा हुआ है, हेलमेट लगा हुआ है, जैकेट पहने हुए, लेकिन फिर भी सर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका कारण यही है कि इस समय शिमला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से ज़्यादा ठंडा आगरा हो रहा है। इस समय आगरा का सामान अगर तापमान देखें तो सामान से भी 10 डिग्री नीचे गिर गया है। कैमरा पर्सन मनोज साध, विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।